कोरोना महामारी के बाद जहां देश में कई लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी की, वहीं अब कुछ लोग इसको सेवा के रूप में आगे लाए। अभी हम खड़े उदयपुर के गिरजा पेट्रोल पंप के सामने संजीनी मेडिकल, जहां पर ये मेडिकल के जो संचालक हैं उन्होंने ये सोचा कि जीवन भर कमाए और आगे भी कमाएंगे, लेकिन इन्होंने इस बार यहाँ सैनिटाइजर बनाया है बड़ी तादाद में और लोगों को यहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि यहाँ पर आई अपनी खाली शीशी लेके आए, जिसमें 50-50 ml सभी को ये निःशुल्क सैनिटाइजर वितरित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर कुछ लोग जो आए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या सोचना वो सैनिटाइजर लेना है। आपका नाम बताया? ये रोशन लाल तावड़ है, जाड़ल से मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ सुना है कि यहाँ हमारे को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा तो लेने आए। क्या सोचना आपका? बहुत अच्छी सेवा है साहब, इन्होंने अच्छी सेवा दी है और दे ही रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं। आपका नाम बताएं? मेरा नाम राजेश मेहता है और यहाँ पे संजीवनी मेडिकल स्टोर पे पता चला कि फ्री में सैनिटाइजर दे रहे हैं, तो यहाँ लेने के लिए आए हैं। और इनकी जो सेवा है बहुत अच्छी सेवा है और लोगों को जागरूक भी करना है और अच्छे सबको सैनिटाइजर फ्री में दिया जा रहा है, 50 ml पर हेड दिया जा रहा है। आपका नाम बताएं? भीम सिंह सिसोदिया। कल से संजीवनी मेडिकल वाले भाई साहब कमलेश जी ने ये तैयारी की थी, मेरी बात हुई थी, आपने कहा कि हम इस आपदा के मौके पे एक ये छोटा सा हम जन सेवा का काम करेंगे, कुछ सैनिटाइज की व्यवस्था की है और कल 12 बजे से अपन ये तैयारी करेंगे, सबको निःशुल्क 50-50 ml ये सैनिटाइज बांटेंगे। इनकी ये बात सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई है। हम भी 5-4 जने आए हैं ये और सेवा में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। ऐसा हर नागरिक को सोच के इस आपदा की समय सहयोग करना चाहिए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जिन लोगों ने मेडिकल पर जो कई दुकान ऐसी भी थी, उदयपुर पुलिस ने इसका खुलासा भी किया था कि इसकी कालाबाजारी की थी, मास्क को उन्होंने कई ज़्यादा रेट में बेचा था, सैनिटाइजर बेचा था, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो उन पर प्रशासन तो कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसी आपदा के समय उनको एक इंसानियत रखते हुए हर तरह से हर इंसान और गवर्नमेंट सरकार का सहयोग करना चाहिए और अभी कमाई का जो जरिया है उस पर थोड़ा मतलब कम करके और जनता का सहयोग करें, यही कहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ के मेडिकल संचालक की, जिन्होंने सबसे बड़ी कमाई को छोड़ के इंसानियत को सबसे सर्वोपरि रखा, उनसे बात करते हैं वो क्या सोच के उन्होंने ये पहल की। मेरा नाम कमलेश नागदा है, संजीवनी मेडिकल स्टोर गिरजा हॉस्पिटल पंप के सामने मैं प्रोपराइटर हूँ। मैंने यहाँ पीछे कच्ची बस्ती है, सामने आरकेपुरम आर एच जी, सबको ये जागरूक करने के लिए एक मैंने प्लान बनाया कि 30 liter सैनिटाइज़र मैंने बनवाया है खुद ने मेरे पैसों से और सबको 50-50 पर फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का निर्णय लिया। कमाई तो और भी करेंगे अपन, इसके लिए मैंने ये आज कैंप रखा है। सुना आपने संचालक ने, मेडिकल संचालक ने कहा कि कमाई तो और भी करेंगे, समय हमारे पास और है, लेकिन इस आपदा में ये सेवा जो कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है। उदयपुर न्यूज़ भी इनको सलाम करता है कि इस तरह की पहल करने से और भी लोगों को शिक्षा मिलेगी। विनोद माली के साथ कमल ओसीडा, उदयपुर न्यूज़।